इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ऑक्टल नंबर सिस्टम डिस्कस करूंगा, तो इसका दो पार्ट में मैं बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम से किसी और नंबर सिस्टम में जाना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड दूसरा पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि किसी और नंबर सिस्टम से अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो जो ऑक्टल नंबर है उसमें टोटल 8 डिजिट हैं, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अलावा कोई भी अदर डिजिट ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं आ सकता, और अगर है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है ही नहीं। जनरली कई बार मतलब आईवा में टीचर कंफ्यूज करने के लिए हमसे ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे 7, 8, और इसको बोलते हैं ऑक्टल में इसको बाइनरी में या डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ। तो हमारा ध्यान तो बस ये रहता है कि कैसे जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करें, लेकिन यहाँ पे कैच ये होता है कि जो 8 है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ ही नहीं सकता, तो यानी कि ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में है ही नहीं। मैंने इस नंबर सिस्टम पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो अराउंड 45 मिनट का है, तो उसमें सारे कन्वर्जन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है बहुत सारे एग्जाम्पल लेके। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख लो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वो देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, उसमें मैंने पूरा कन्वर्जन मतलब कम्प्लीट किया है। तो पार्ट वन में मैं ये बताने वाला हूँ यहाँ पे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ कि जो भी ऑक्टल नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये बताने से पहले हमें जो टेबल होता है बाइनरी का वो एटलीस्ट याद होना चाहिए, 1 to 8 जो वैल्यू होता है। जैसे 0 के लिए क्या होगा, 0, 0, 0, 1 के लिए 0, 0, 1, 2 के लिए 0, 1, 0, 3 के लिए 0, 1, 1, 7 के लिए 1, 1, 1। ये तो वैसे हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। तो अब क्या करते हैं कि किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका एक डिजिट हम लेते हैं ऑक्टल का, और उसको बाइनरी बिट्स में जो 3 का जो पेयर होता है उसमें हम लिखते हैं। और 3 बिट्स ही हम ऑक्टल के लिए क्यों लेते हैं, वो इसलिए कि टोटल जो हमारा नंबर है कवर हो जाता है 0 to 7, और वही हमारा रेंज है ऑक्टल नंबर में, तो 3 बिट्स इनफ होता है। ओके, तो अब जैसे 7 है तो इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी में कैसे करेंगे, तो इसका 7 का 1, 1, 1, 3 का 0, 1, 1 और 2 का 0, 1, 0 हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि 7 के लिए 1, 1, 0 लिख दिया, 3 के लिए 0, 1, 1 एंड देन 2 के लिए 0, 1, 0, तो ये कन्वर्जन हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि और एग्जांपल की ज़रूरत है। ओके, तो अब जो ऑक्टल नंबर है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका मैंने बताया था अपने कंप्लीट वीडियो में। इसमें जैसे क्या करना है कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए 7, 3, 2, तो इसको आपको जो एक नंबरिंग करनी है राइट टू लेफ्ट 0 से स्टार्ट करके, 0, 1, 2, और डिजिट है तो हम 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ओके, और उसके बाद जितना डिजिट रहता है, ओके, तो इसको बताने से पहले एक यहाँ पे मैं बताया था ताकि ये समझना आसान हो जाएगा। जैसे 3, 2, 1, तो यहाँ पे अगर हम 0, 1, 2 लिख देते हैं तो ये जो नंबर कैसे फॉर्म हुआ है, ये जो हमारा डेसिमल नंबर है जैसे 321 इसका वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होता है ये 3 into 100, क्योंकि ये 100 वाले पोजिशन पे है, 2 into 10 यानी ये 10th पोजिशन पे, और ये यूनिट पोजिशन पे, तो 1 into 1 तो यानी कि 321 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसे होता है कि 3 into ये जो 10 है 10 का स्क्वायर प्लस 2 into 10 to the power 1 प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है 1 into 10 to the power 0। यानी कि आप देखो यहाँ पे जो फैक्टर मिलेगा, यानी कि 10 से हम क्या कर रहे हैं वैल्यू लेके उसका पावर पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 into 3, 300 प्लस 2 into 10, 20 प्लस 1 into 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1, 1 into 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 321 हो जाएगा। तो हम इसलिए करते हैं ना कि ये डेसिमल में है, तो अब क्या है कि ऑक्टल में है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम सेम तरीका अपनाएंगे, बस यहाँ 10th की जगह हम 8 रख देंगे, तो हमारा सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 7 into 8 यहाँ पे 10 था, यहाँ पे मैं 8 ले रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो नंबर है ऑक्टल में है, 8 का स्क्वायर प्लस 3 into 8 to the power 1 प्लस 2 into 8 to the power 0, ये कितना हो जाएगा 7 into 64 प्लस 24 प्लस 2 into 1, 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 into 4, 28, 2 एंड देन 4, 44 प्लस 24 प्लस 2, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2, 6 प्लस 8, 14 देन 3, 7 एंड देन 4, तो ये 474 अपना जो वैल्यू आ गया। हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको ये बस देखना है कि जो लॉजिक का जो तरीका है वो किस तरीके से करते हैं।
ये अपना तरीका हो गया किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे एक और ले लेते हैं 55, तो ये क्या होगा 0 × 1, तो ये कितना होगा 5 + 48, 45 आना चाहिए अपना आंसर, ये ऑक्टल में है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 × 8⁻¹ + 5 × 8⁻⁰, 5 × 8 = 40 + 5 × 1 = 5, यानी कि 45। अब मैं बताता हूँ कि ऑक्टल से कैसे हम हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो ये टेबल मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है, यहाँ पे है डेसिमल जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल में 0 to 15, ये टोटल एग्जिस्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, एंड देन उसका जो हेक्स वैल्यू है 9 to सेम रहेगा, देन उसके बाद 8 to F होता है, और उसका इक्विवेलेंट मैंने बाइनरी यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, मनी मैन में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बस रेफरेंस के लिए कि अगर किसी को आप में से नहीं आता है तो ताकि इंस्टेंटली रेफर कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी किसी भी बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का जो सबसे आसान तरीका है एकदम, मतलब नंबर देखोगे आप कैलकुलेट कर लोगे, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है ये वाला, तो आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट नंबर 300-400 तक रहेगा तो। ओके, तो आप एक एग्जांपल देता हूँ, 7, 6, 4, ये ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल अगर कन्वर्ट करना हो ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किसी भी एक इंटरमीडिएट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन हमारा जो फाइनल है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। या तो फिर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे एंड फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल में, या फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे एंड फिर उस बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में। तो अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं एंड उसके बाद हेक्साडेसिमल में करते हैं तो ये बहुत ही ईजी रहेगा, इसलिए हमारा जो अप्रोच होगा वो ये होगा कि पहले हम इसको बाइनरी में करेंगे एंड देन फिर उसके बाद जो हेक्साडेसिमल में। ओके, तो ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी में जाना हो तो 3 का पेयर बनाते हैं, सेम वे अगर हमें हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में लिखना हो तो हम 4 बिट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि तभी हमारा जो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल डिजिट है वो कवर हो पाएगा, इसलिए हम इसमें 4 बिट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो इस नंबर को मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में, 7 के लिए हो जाएगा 111, 6 के लिए होगा 110, 4 के लिए 100, तो ये अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट, तो ये 4 का पेयर बन गया और ये बाकी रह गया, तो जो बाकी रह जाएगा या तो हम 0 एंड एक्स्ट्रा दे सकते हैं या फिर नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है ना, हम इस टेबल से लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और 15 के लिए हम क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू पहले हमने बाइनरी में किया और फिर बाइनरी से हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1F4 और ये हेक्साडेसिमल में, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया ये जो ऑक्टल है इसमें हेक्साडेसिमल में। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 7, 3, 2, 4, ये अगर ऑक्टल में है और इसको हमें करना है हेक्साडेसिमल में, तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हेक्साडेसिमल में। 7 के लिए क्या होगा 111, 3 के लिए क्या होगा 011, 2 के लिए 010, 4 के लिए 100, तो ये अपना क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और अब इस बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो 4 का पेयर बनाएंगे, तो यानी कि 4 का पेयर यहाँ पर बनाएंगे 4 का, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा, एंड देन ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 842। ओके, तो 14 के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं डी एंड देन 4, 14 के लिए क्या ई, डी के लिए 13 एंड 4 यहाँ, यानी कि सेम इक्विवेलेंट वैल्यू देखोगे आप, 14 के लिए यहाँ पे क्या 110 एंड देन 13 के लिए 1101 एंड देन 4 के लिए 0100, तो ये अपना कन्वर्ट हो गया ई डी 4, ये हो गया हेक्साडेसिमल, तो इतना ईजी है। ओके, तो पार्ट टू में मैं ये बताऊंगा कि कैसे भी किसी और नंबर सिस्टम से हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बाइनरी से ऑक्टल में, तो पहले नंबर ले लेता हूँ 100001001, तो सेम वे है कि इसमें जब बाइनरी है और उसको ऑक्टल में जाना है तो हम 3 बिट्स के पेयर में बनाएंगे, अगर बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में जाना होता है तो 4 बिट्स का पेयर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 बिट्स का पेयर बनाएंगे, तो 3 का पेयर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1, 2 एंड 4, तो ये जो होगा 411 अपना बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 100011001। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें, ये बाइनरी में दिया है और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3 का पेयर बनाएंगे। ओके, देन ये क्या हो जाएगा 1, देन 2 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे ये 2 रहेगा,
यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा, लगता है मैंने सेम ही ले लिया क्या, 1000 1000 डबल, ओके सेम ही ले लिया। ओके डिफरेंट नंबर लेते हैं 1100001, इसको कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी में दिया दिया है ऑक्टल में, तो ये क्या हो जाएगा मैम, तो ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और इसकी 1, तो ये अपना ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो जैसे कोई भी नंबर लेता हूँ 348, अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो किसी भी डेसिमल नंबर को हम किसी भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होता है ना उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं, तो जैसे हमें ये ऑक्टल में करना है तो हमें 8 से इसको डिवाइड करना है, तो 8 × 4 = 32, 2 पे 8 आएगा 28 एंड 8 × 3 = 24, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 4। दोबारा से 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 8 × 5 = 40 एंड रिमाइंडर 3 हो जाएगा। और ये जैसे ही नंबर ये छोटा हो गया इस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम वहीं पे ऑपरेशन स्टॉप कर देंगे और इसको हम रिवर्स में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 4 और ये नंबर कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। सेम एक डिफरेंट नंबर लेते हैं जैसे 270, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो 8 से डिवाइड करेंगे 8 × 3 = 24, 3 आया 0, देन 8 × 3 रिमाइंडर आ गया 6, देन 8 × 4 हो जाएगा 32, रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी कि जो वैल्यू हो गया हम इसको रिमाइंडर जो आएगा रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 416, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल टू ऑक्टल। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे किया था हमने, ऑक्टल से बाइनरी में गए थे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, तो सेम वे में हम हेक्साडेसिमल से पहले बाइनरी में जाएंगे, बाइनरी से फिर ऑक्टल में जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ FA98, ये हेक्साडेसिमल में दिया है और इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो F के लिए क्या लिखेंगे 111, A के लिए 8020, ओके देन 9 के लिए 89 एंड 8 के लिए 100, ओके ये हमारा हो गया किसमें बाइनरी में। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का हमने यहाँ पे पेयर बनाया, ओके देन तो ये पेयर हमने बनाया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये अपना नंबर आ गया ऑक्टल में, तो ये क्या होगा 175230, ओके तो ये ऑप्शन में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है कि कहीं कहीं मेरा मतलब माइंड मिस्टेक हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये लॉजिक समझना है कि कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ FAB, तो अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो सबसे पहले तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद ऑप्शन में करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में 111, ए के लिए 8010 एंड देन डी के लिए डी का वैल्यू कितना होता है, डी का वैल्यू होगा 11, 1011111, ये हो गया बाइनरी में। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें ऑक्टल में, तो क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे एंड देन तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 1 2 3 एंड देन इसकी हो जाएगी 5, देन इसकी हो जाएगी 1 2 यानी कि 1 2 4 यानी कि 6 एंड देन 7, तो ये हो गया ऑक्टल में। ओके तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के सारे कन्वर्जन हमने इसमें देख लिए और सारा कंप्लीट हो गया।